फ्रेंड्स, मैं अपना हॉस्टल का टूर देना चाहता हूँ। एक्चुअली बहुत जने जो न्यू होते हैं वो चाहते हैं कि हम आके पर्सनली ये चीज़ें देखें और सब कुछ करें, लेकिन मेरी एक और प्रॉब्लम भी है कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ आस पड़ोस में सारे घर हैं, सभी कास्ट होकालों के घर हैं, कोम वालों के घर हैं, तो उनको पसंद नहीं आता जब डॉग्स चिल्लाते हैं। तो कोई भी विजिटर आता है तो वो चिल्लाएंगे, इसलिए मैं आज पूरा वीडियो वापस बनाता हूँ। ये वो एरिया है जहाँ हम इन्हें खाना वाना खिलाते हैं, घुमाते फिराते हैं। यहाँ से ऊपर स्टेप जारी है, वहाँ ऊपर की तरफ फ्रेश करने के लिए इनको बना रखा है। हम डॉग्स को बाहर फ्रेश नहीं कराते हैं, घर में ही फ्रेश कराते हैं। ऊपर फ्रेश करा के इस सिल्वर लाइन के थ्रू वो बाहर चला जाता है। यहाँ कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा बाहर की तरफ लगा हुआ है और दो उस रूम में लगे हुए हैं जहाँ पर ये डॉग रेस्ट करते हैं एनी टाइम। डॉग ये वो जगह है जहाँ ये फ्रेश होते हैं। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। वहाँ ऊपर फ्रेश करने के बाद यहाँ खेलने कूदने घूमने खाने पीने और रिहर्सल के बाद हम लोग यहाँ से डॉग्स को फिर से नीचे उतारते हैं। ये वो एरिया है जहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, डॉग यहाँ से नीचे उतरते हैं। लाइट्स लगा देता हूँ मैं। एक ये रूम है जहाँ ये रेस्ट करते हैं। यहाँ एसी लगे हुए हैं, दो पंखे लगे हुए हैं, पानी का सिस्टम बनाया हुआ है वहीं पर। ये दूसरा एरिया है जहाँ डॉग्स रहते हैं। ये पहले ऑफिस था, अब इसी में भी हम डॉग्स रखने लग गए हैं। ये सीसीटीवी का सेटअप है पूरा, कूलर लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है और इस स्विच अटैच है, इसलिए एसी इसमें भी काम कर देती है। यहाँ एक सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है, एक सीसीटीवी यहाँ लगा हुआ है। अगर इस रूम में कुछ होता है तो भी पता चल जाता है, बाहर कुछ होगा या डॉग्स को बाहर लेके गए तब कुछ होगा तो भी पता चल जाएगा, बाहर का भी वीडियो है। यहाँ हवा के लिए ये रूम में ये खिड़की दी हुई है, साथ में ये दरवाज़ा भी है। यहाँ ये लोग रेस्ट करते हैं, ज़्यादातर इसी एरिया में ये लोग रेस्ट करते हैं। ये एडजस्टमेंट फैन लगा है, साथ में इस टाइप से बाहर का लुक आएगा। बाहर के लिए भी हमने दो गेट बना रखे हैं, ऐसा दिखता है मेरा हॉस्टल बाहर से। ये एक्चुअली मेरा घर है और आगे की तरफ मैंने हॉस्टल सेटअप किया है और पीछे मेरा घर है। एंटर लेते ही ये वाला पोर्शन आएगा, इसमें डॉग्स, इसमें डॉग्स, उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर, और ऊपर का एरिया तो डेली वीडियो में आता रहता है। नीचे वाला एरिया यही है जो डॉग्स के लिए है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देने जा रहे हैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन टॉनिक वगैरह, प्लस कच्चे एग, प्लस सोयाबीन बॉल्स। अब ये सब बाहर आ रहे हैं। चलो ऊपर, 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 चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, 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 जल्दी 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 जल्दी, कम बाबू कम, कम कम, चलो ऊपर है, ऊपर चलो, चलो ऊपर जल्दी, ऊपर 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 जल्दी, ऊपर 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 ऊपर, चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो। अब मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ ये फ्रेश होता है। चलो अंदर, 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 अंदर चलो, अंदर चलो, चलो अंदर, अंदर चलो। ये वो जगह है जहाँ ये फ्रेश होता है। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। ये हनी है, ये मेरा डॉग है। मेरा डॉग मेरे पर याहू कर रहा है, मेरे को उठाने पर कुछ नहीं करेगी, मैं उठा सकूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मना भी करूंगा तो मान लेगी। नो, देखा, ये भी मेरा डॉग है। एक खुशी है जो पीरियड्स पर है, एकदम प्योर हिट पर है, तो इसलिए उसे अंदर रखा हुआ है। वो बाहर आएगी तो फिर वो सारे डॉग खाना छोड़ के लड़ झगड़ने लगेंगे। और ओरियो है जो कि अमेरिकन बुली है, वो मेल्स के साथ रहता नहीं है। पिटबुल के एक्चुअली जो पिटबुल फैमिली से बिलोंग्स करते हैं डॉग्स, वो ज़्यादातर मुंह, अपने मुंह में इतना पावर रखते हैं कि किसी भी डॉग को गले से पकड़ कर बैठ जाते हैं। जब तक उसकी सांस नली बंद नहीं होती वो छोड़ते नहीं है। अटैकिंग डॉग रहते हैं इसलिए मेल्स के साथ नहीं रख सकते उसको, उसे अलग रखते हैं। बाकी सारे ये रहे,
इनमें से कुछ ट्रेनिंग पर हैं, कुछ हॉस्टल पर हैं। और ट्रेनिंग, जो भी डॉग ट्रेनिंग पर आता है तो 15-15 डेज के बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एक बैच कंप्लीट करने के बाद हमें पता चलता है कि कितने ग्रो हुआ है डॉग, क्या उसका मेंटल स्टेज है, उस अकॉर्डिंग हम उसे आगे की डेट्स बता देते हैं, ठीक है। और नॉर्मली 1 मंथ की ट्रेनिंग तो रहती है। और ये देखो, अब ये भी पीरियड्स पर आ गई है, मतलब प्योर टाइमिंग पर चल रही है, इसलिए देखो मेल्स क्या कर रहे हैं इसके साथ। बस ये देखो, ये खड़ी रहेगी और डांटेगी नहीं। नो, मैगी को भी अंदर ले जाओ। नॉर्मली में ये डांटने लग जाती है। चलो अंदर मैगी। हनी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लग गई है। ऑस्कर ऑस्कर खान Okay.